वर्तमान में अगर ओबीसी समाज एकजुट नहीं हुआ तो भविष्य में आरक्षण 50% से कम होकर 15% पर कब आ जाएगा इसकी भनक भी नहीं लगेगी। इसलिए वर्तमान स्थिति में संगठित होना आवश्यक है। इसलिए ओबीसी की जायज मांगों के लिए यह रैली निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से ओबीसी समाज की शक्ति दिखाई दे रही है। यह कथन हिंदू बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने व्यक्त किए। वह त्रिमूर्ति चौक में ओबीसी एकता रैली के समापन के समय बोल रहे थे। ओबीसी की मांगों को लेकर हिंदू बहुजन महासंघ द्वारा पौनी से भंडारा तक दोपहिया रैली का आयोजन किया गया था। भंडारा शहर का भ्रमण करने के बाद रैली त्रिमूर्ति चौक में पहुंची। वहां रैली का समापन करने के बाद सभा का आयोजन किया गया था। सरकार ने अब ओबीसी को घर कुल 100% छात्रवृत्ति 25,000 करोड़ का आर्थिक प्रावधान देना पड़ेगा। इन मांगों का ज्ञापन सभा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री को भेजा गया। इस समय मंच पर शिवसेना के जिला प्रमुख अनिल गायदे ने हिंदू बहुजन संघ के राज्य समन्वयक सुरेश दुर्वे जाकिर रावलानी मनोज साकुरे आशीष माटे विजय काटेखाए बालू फुलबांदे राजेश सार्वे व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल राजनीति क्राइम साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।